नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo F19 वर्सेस Samsung Galaxy F41 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo F19 में 6.31 इंच जबकि Galaxy F41 में 6.27 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Oppo F19 से कम है। विड्थ की बात करें तो Oppo F19 में 2.91 इंच जबकि Galaxy F41 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Oppo F19 में 0.31 इंच जबकि Galaxy F41 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Oppo F19 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo F19 में 175 ग्राम जबकि Galaxy F41 में 191 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Oppo F19 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Oppo F19 में AMOLED जबकि Galaxy F41 में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Oppo F19 में 20:9 जबकि Galaxy F41 में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo F19 में 6.43 इंचेस जबकि Galaxy F41 में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Oppo F19 में 1080x2400 और Galaxy F41 में 1080x2340 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo F19 में 84.38% जबकि Galaxy F41 में 83.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo F19 में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy F41 में 403 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo F19 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy F41 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo F19 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy F41 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Oppo F19 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Galaxy F41 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Oppo F19 में Adreno 610 जबकि Galaxy F41 में Mali-G 72MP3 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo F19 में Qualcomm Snapdragon 662 और Galaxy F41 में Samsung Exynos 9 Octa 9611 मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo F19 में 6GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy F41 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo F19 में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy F41 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Oppo F19 में अप टू 256GB जबकि Galaxy F41 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Oppo F19 में Android V11 जबकि Galaxy F41 में Android V10 की देखने को मिलती है। बैटरी Oppo F19 में 5000 mAh जबकि Galaxy F41 में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो ओप्पो F19 में 2 कलर्स जबकि गैलेक्सी F41 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो ओप्पो F19 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें गैलेक्सी F41 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी F41 आगे है, मेन कैमरा में गैलेक्सी F41 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में गैलेक्सी F41 आगे है, परफॉर्मेंस में ओप्पो F19 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो कि 17,857 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme 8 है जो कि 13,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 Pro है जो कि 17,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।